कोरोना कर्फ्यू के मद्देनजर कांगड़ा में सिर्फ जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी, वहीं बिना कारण आने जाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। धर्मशाला में कोरोना कर्फ्यू के दौरान जारी रहने वाली पाबंदियों पर डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने मीडिया से रूबरू होते हुए स्पष्ट किया कि 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। डीसी ने बताया कि शादियों में पहले की तरह सिर्फ 20 लोगों की इजाजत दी जाएगी। इसके अलावा जिला में स्थानीय ट्रांसपोर्ट 50% ऑक्यूपेंसी के साथ जारी रहेगा। डीसी राकेश प्रजापति ने बताया कि जिला में राशन डिपो, फल सब्जियों के अलावा डेयरी और मीट शॉप्स खुली रहेंगी। इसके अलावा गाड़ियों की रिपेयर की दुकानें या वर्कशॉप्स सुचारू रूप से खुली रहेंगी। जिला में निर्माण कार्य जारी रहेंगे। डीसी राकेश प्रजापति ने कहा कि जिला में सभी स्वास्थ्य संस्थान खुले रहेंगे। जिला में बैंक 10 से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा पेट्रोल पंप पोस्ट सर्विस जारी रहेंगे। इंटर स्टेट मूवमेंट पर पहले की तरह नियम रहेंगे। RT-PCR रिपोर्ट जरूरी होगी। सैलून बंद रहेंगे। कल स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से कुछ आदेश किए गए थे, उसको लेकर आम लोगों में कुछ असमंजस की स्थिति थी कि क्या बंद हो रहा है, क्या खुल रहा है, क्या टाइमिंग्स होंगी। उसको लेकर बहुत सारे फोन कॉल्स आपके माध्यम से भी आए हैं, लोगों के भी आए हैं। मैं इस प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से उन सारे जो सवाल हैं उनको आंसर करना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना के जो केसेस हैं काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं और जिला कांगड़ा में कल तक 3,954 केसेस सिर्फ और सिर्फ इस महीने में आए हैं 5 दिनों के अंदर। और अभी तक की अगर बात की जाए तो 85 डेथ्स हुई हैं, 85 डेथ्स हुई हैं पिछले 5 दिनों में 85। उसी को देखते हुए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमने पहले भी जिला में लगाए हुए था और कल स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से कुछ डिसीजंस आए हैं। क्या क्या इसमें पिछले वाले संतर है, क्या एडिशन है, मैं वो आप लोगों को बताना चाहता हूं ताकि इसको लेके क्लैरिटी रहे। इसको कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया गया है और ये 6 बजे सुबह 7 मई से 6 बजे सुबह तक 17 मई तक ये रहेगा। 7 मई से 17 मई तक सुबह 6 बजे से सुबह 6 बजे तक। इसमें कुछ जो डिसीजन गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है कि कहीं पे भी 5 से ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति होती है तो उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। एक असमंजस की स्थिति ये थी कि जो पहले से शादियाँ जिनकी परमिशंस हो गई हैं उनके बारे में क्या रहेगा। मैं बताना चाहता हूं कि जो शादियां पहले से ही हमारे पास से परमिशंस दी गई हैं, 20 लोगों की जो परमिशंस दी गई हैं वो यथा एज इट इज़ रहेगा और लोग अपनी जो शादियां हैं जो उनका डेट डिसाइडेड है वहां पर 20 लोगों के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस रखे गए हैं वो मैं अभी बाद में बता दूंगा। गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज सारे के सारे 7 मई से 17 मई तक क्लोज रहेंगे। इसके अलावा एजुकेशनल ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस 31 मई तक के लिए बंद किए गए हैं। तो ये क्लैरिटी आप लोगों के माध्यम से लोगों के बीच में भी होनी चाहिए। इसके अलावा सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस, बाजार, जिमनेशियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स, ये सारे बंद कर दिए गए हैं। कुछ एक्सेप्शन रखा गया जो मैं बाद में आपको बताऊँगा। लिकर शॉप, वेंड्स, अहाता, बार, ये क्लोज कर दिए गए हैं 7 मई से लेकर 17 मई तक के लिए। एक्सेप्शंस क्या क्या रखे गए हैं और क्या खुले रहेंगे उसके बारे में बता देता हूँ। जितने भी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट के हों, वो खुले रहेंगे और इनमें जो लोग कार्यरत हैं अपना कार्य जो है सुचारू रूप से कर सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर के लिए पहले ही आदेश आ चुके हैं, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक जो बैंक से हमारे खुले रहेंगे, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक। इसके अलावा जो एसेंशियल यूटिलिटीज़ हैं, जैसे हमारे पोस्टल सर्विसेज हो गई, वाटर सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट का काम हो गया, इसके अलावा जो हमारा पेट्रोल पंप्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे एसेंशियल पब्लिक यूटिलिटी में आएंगे, ये खुले रहेंगे। इसके अलावा जो बाज़ार, हमने पहले बता दिया कि बाज़ार वगैरह बंद रहेंगे 7 मई से 17 मई तक। एक्सेप्शन क्या क्या होगा इसमें, जो सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहेगा वो ये है, राशन शॉप इंक्लूडिंग PDS, चाहे वो नेबरहुड में हो, रोड साइड पे हो, स्ट्रीट कॉर्नर पे हो, जो भी शॉप जो फूड, ग्रॉसरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, डेयरी एंड मिल्क बूथ्स हैं, या हमारे मीट एंड फिश और एनिमल फीड के, फॉडर के, सीड के, फर्टिलाइजर के और पेस्टिसाइड के, ये जो दुकानें हैं ये खुली रहेंगी आपकी 7 मई से 17 मई तक।
लेकिन इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले भी हमने आदेश किया हुआ था कि जो सैटरडे और संडे है, जो वीकेंड लॉकडाउन जो पिछला ऑर्डर था हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बेसिकली मंडे से फ्राइडे तक सिर्फ यही दुकानें हैं जो खुली रहेंगी, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। इसमें मैं आपके माध्यम से, जो हमारे कुछ व्यापार मंडल हैं उन्होंने खुद स्वतः फैसले लिए थे कि कहीं दो बजे बंद करने के लिए, कहीं 3 बजे, कहीं 4 बजे, कहीं 5 बजे। तो मैं आज भी रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि जो उन्होंने डिसीजन लिया था वो उसी हिसाब से आने वाले समय में कार्य करते रहें। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है कि जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो, 50% कैपेसिटी के साथ कार्य करेंगे। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, पहले भी हमने जारी रखा था, इस आदेश के माध्यम से भी हम जारी रखेंगे। इंडस्ट्रीज़ को, जो एसेंशियल इंडस्ट्रीज़ थी हमारी जो चल रही थी, पहले भी हमने जारी रखा था, अभी भी ये जारी रहेंगे। इसके अलावा जो पब्लिक कंस्ट्रक्शन है और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है, ये बहुत सारी क्वेरीज लोगों के माध्यम से आ रही थी कि क्या बंद हो जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट द्वारा बड़े हमारे प्रोजेक्ट चले हुए हैं या जो लोग अपने घरों का निर्माण कर रहे हैं, ये जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है ये जारी रहेंगे। ऑफिसेज की बात जो की जा रही है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस रखे गए हैं, उसके अलावा सारे ऑफिसेज को बंद कर दिया गया 7 से 17 मई तक। इसमें जैसे डिफेंस फोर्सेज के हैं, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस का जो है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेजरी है, फॉरेस्ट है, इन सब को छोड़कर बाकी सारे जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको बंद कर दिया गया। लेकिन इनके जो कार्य चल रहे हैं, जो फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट है, उसका कार्य बाहर चल रहा है कोई, वो कार्य चलता रहेगा और जो सारे ऑफिसर्स हैं दे विल वर्क फ्रॉम होम। इसके अलावा जितने भी प्राइवेट ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज इन प्राइवेट, कॉरपोरेट एंड सिविल सोसाइटी सेक्टर शैल बी क्लोज्ड एंड सच ऑफिसेज शैल एनकरेज वर्क फ्रॉम होम। तो सारे जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं ये सारे क्लोज कर दिए गए, ये एडिशन है पिछले वाले जो हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे उससे। इसके अलावा जो कई बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों के माध्यम से भी आ रही थी, लोग डायरेक्ट भी हमें कॉन्टैक्ट कर रहे थे, जो इंटर स्टेट मूवमेंट है वो कैसे चलेगा। इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए जो पिछला हमने ऑर्डर निकाला था वो एज इट इज चलेगा। उसमें दो तीन हमने कंडीशंस लगाई थी जो सरकार द्वारा हमें निर्देशित किया गया था। पहला कि जो लोग डायरेक्टली आना चाहते हैं, अगर उनके अंदर उनके पास 72 घंटे का RT-PCR तो डायरेक्ट एंट्री कर लेंगे, अगर नहीं है तो आने के बाद वो 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन होंगे और उसके बाद उन्हें टेस्ट करवाना पड़ेगा। और अगर कोई 20 दिन पहले पॉजिटिव हुआ है या फिर उसने दोनों वैक्सीनेशन के डोज कंप्लीट कर लिए हैं तो वो एंट्री उसी हिसाब से स्मूथली कर सकता है। लेकिन सबको अगेन वही जो ई पास का सिस्टम था पुराना, वही ई पास के सिस्टम को बरकरार रखा गया है। तो ये मेरे तरफ से था, बहुत सारी जो क्वेरीज थी हमने उन क्वेरीज को कवर कर लिया है।